यूपी में बाढ़ और बारिश का डबल अटैक जारी है। सितंबर के महीने में आसमान से बादल बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ नदी और नालों में भी विकराल रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में आसमान में काले बादलों का डेरा रहेगा। इसके साथ ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तटवर्ती पश्चिम बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके कारण यूपी का मौसम बदल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी कमी आई, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। IMD के भविष्यवाणी के मुताबिक मंगलवार को पूर्वी यूपी के वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, श्रीवास्तव, चित्रकूट सहित कई जिलों में बारिश होगी। इसके अलावा बुंदेलखंड, नोएडा, मीरठ, एटा, मैनपुरी, ललितपुर, हमीरपुर समेत कई जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में गंगा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा की बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं सरयू और राप्ती नदी की भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।